हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें हमने आपको डोमेन, रेंज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आई होप आप सभी ने डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की याद कर ली है। तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। ओके, तो लेट अस बिगिन। तो क्वेश्चन है अवेलुएट। बच्चों, हमने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन वन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं क्योंकि ये बड़े आसान सम्स हैं। देखते ही इसका आंसर आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, नाउ सबसे पहले जो ये टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीजन क्या है, ये फॉर्मूला हमने बताया था, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो बच्चों, ये आपके पास बन गया माइनस। फिर हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए, तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसका टेंजेंट अंडर रूट 3 होता है। इनवर्स मतलब वो एंगल बताना है जिसका टेंजेंट अंडर रूट 3 होता है। तो फटाफट टेबल आपको याद है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0, 30, 45, ठीक है बच्चों, ये याद है सबको। फिर से बताया तो, क्योंकि इसको लिखकर कभी गलती नहीं होती। 0, 30, 45, 60 एंड 90, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट, वो अपने बच्चों को याद होती है, आप लिख सकते हो ताकि कोई गलती ना हो आपसे। तो देखिए बच्चों, दिस इज 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। इसको फिर इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, ये ऑलरेडी कई बार आपको बचा चुके हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को किया, समथिंग ओवर 0, नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफिनिटी। कोट के लिए इधर से लिखना शुरू कर दिया था, आई होप क्लियर सबको। ये बच्चों आपको याद है सब कुछ। सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, 1 ओवर 1, 2 बाय रूट 3, रूट 2, 2 बाय 1 एंड 1 ओवर 0, नॉट डिफाइंड। कोसेकेंट के लिए इधर से लिखिए इनफिनिटी, 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3 एंड 1। तो ये सब कुछ हमने बच्चों 10th क्लास में सीखा हुआ है। तो देखिए, टेंजेंट इनवर्स रूट 3, ये वो एंगल है जिसका टेंजेंट अंडर रूट 3 है। तो कौन सा एंगल है टेबल से देखिए जिसका टेन रूट 3 है। तो टेन में जाइए, रूट 3 जो है 60 डिग्री पे है पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू पाई बाय 3 लिख दीजिए। तो देयरफॉर हमने बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट कोसेकेंट और टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है कोसेकेंट टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड की, दैट इज माइनस पाई बाय 3। तो हमने अब क्या निकालना है, कोसेकेंट ऑफ दिस नंबर, तो दिस एंगल इज व्हाट, माइनस पाई बाय 3। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों ये निकालना है, तो नाउ इसकी वैल्यू चाहिए कोसेकेंट माइनस पाई बाय 3। और प्लस 1 में, और मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले बताए थे, प्लस 1 में भी बताए थे, कोस में और सीकेंट में माइनस एब्जॉर्ब होता है और बाकी सभी में माइनस आगे आ जाता है। साइन ओड फंक्शन है इसलिए माइनस बाहर आ गया, कोस इवन फंक्शन है माइनस एब्जॉर्ब हो गया, दिस इज माइनस टेन थीटा, दिस इज माइनस कोट थीटा, दिस इज सीकेंट थीटा एंड दिस इज माइनस कोसेकेंट थीटा। तो बच्चों कोसेकेंट में देखिए इनवर्स नहीं है, सिंपल सर्कुलर फंक्शन है, कोसेकेंट में एंगल का माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो हमने बाहर निकाल दिया, ये बन गया। तो कोसेकेंट 60 डिग्री पाई 180 बाय 3, कोसेकेंट 60, देखिए एक बार टेबल बना लिया कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 60 डिग्री क्या है, कोसेकेंट 60 डिग्री इज 2 बाय रूट 3, तो ये इनवर्स नहीं है, तो सिंपली कोसेकेंट 60 है 2 बाय रूट 3। आवर आंसर इज द वैल्यू ऑफ दिस कोसेकेंट
tangent inverse minus under root 3 is minus 2 root 3. एक बार फटाफट फिर से, सबसे पहले tangent inverse minus under root 3 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों tangent में inverse में minus बाहर आता है, और tangent inverse, inverse basically एक angle है, वो कौन सा angle है जिसका tan under root 3 है, तो tan under root 3 pi by 3 का है, तो हमें यहाँ पे pi by 3 निकला। हमने वैल्यू किसकी निकाली है, cosecant, अब इसकी वैल्यू पता है minus pi by 3, ये तो सिंपल इनवर्स नहीं है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो कोसेकेंट में क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस को बाहर निकाल दिया, कोसेकेंट पाई बाय 3, तो देखिए कोसेकेंट में चाहिए पाई बाय 3 कितना 60, कोसेकेंट 60 कितना है 2 बाय 3, आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी सम्स। सेकंड बच्चों देखिए बी पार्ट, वी हैव टू फाइंड कोट pi by 2 minus 2 cot inverse root 3। देखिए बच्चों pi by 2, तो cot inverse अगेन एक ऐसा एंगल है जिसका cot under root 3 है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें सब, cot inverse root 3 हमने एंगल फाइंड करना है जिसका cot under root 3 है, तो cot में चाहिए under root 3, ये रहा इसका एंगल कौन है pi by 6, that is 30 degree, तो यहां पे लिख दीजिए pi by 6, वो जो कटिंग होगी, we have cot pi by 2 minus pi by 3, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 6, तो एलसीएम लेना आता है सबको, तो this is cot 3 pi minus 2 pi 1 pi, तो cot pi by 6, cot 30, cot में चाहिए, cot pi by 6 is what under root 3, तो its answer is under root 3, समझ लगी सबको? जो इनवर्स होता है वो एक एंगल होता है, और ये जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, देखिए आई होप क्लियर सबको, कोट 30, कोट 30 इज व्हाट अंडर रूट 3। नेक्स्ट, काफी आसान क्वेश्चंस हैं, सी पार्ट, तो बच्चों देखिए वी हैव टू फाइंड टेंजेंट इनवर्स टू साइन 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2, ओके, तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स, तो बच्चों लुक हियर, कोस इनवर्स एक ऐसा एंगल है जिसका कोस अंडर रूट 3 बाय 2 है, कोस में चाहिए अंडर रूट 3 बाय 2, ये रहा उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल फाइंड किया, दैट इज पाई बाय 6, तो कोस इनवर्स 6 की वैल्यू है पाई बाय 6, जैसा कि हम बता चुके हैं ये एक एंगल होता है, तो कौन सा एंगल है जिसका कोस रूट 3 बाय 2 है, तो कोस 30 डिग्री होता है रूट 3 बाय 2, बच्चों ये कटिंग होगी, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 साइन क्या बचा पाई बाय 3, पाई बाय 3 180 बाय 3 60 डिग्री, तो साइन में चाहिए, अब इनवर्स नहीं है तो साइन पाई बाय 3, साइन में गए पाई बाय 3, बच्चों ये रहा पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना है अंडर रूट 3 बाय 2, तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 बन गया, समझ लगी सबको, तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 ये क्या है एक एंगल है, तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 एक एंगल है, वो कौन सा एंगल है जिसका tan अंडर रूट 3 है, तो tan अंडर रूट 3 किसका है पाई बाय 3 का, तो आंसर इज पाई बाय 3, एक बार फिर से समझाएंगे फटाफट, तो देखिए cos इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 ये एक एंगल है, कौन सा एंगल है जिसका cos रूट 3 बाय 2, तो cos में रूट 3 बाय 2 पाई बाय 6 है, तो यहां पे पाई बाय 6 लिखिए, कटिंग की तो ये आ गया 2 sin पाई बाय 3, तो मैंने यहां पर ये फिर बुलाते हैं, तो यहां पे देखिए टेंजेंट इनवर्स 2 sin पाई बाय 3, तो sin में जाइए पाई बाय 3 कहां पे है, ये पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 के कोरिस्पोंडिंग कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सी वैल्यू आ रही है रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट इनवर्स आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स फिर एक एंगल है जिसका tan अंडर रूट 3 है, तो tan अंडर रूट 3 किसका है पाई बाय 3 का, आंसर इज पाई बाय 3, तो बच्चों वी हैव डन क्वेश्चन 1 ऑल द पार्ट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos of sin inverse x equal to sin of cos inverse x equal to under root 1 minus x square, तो देखिए बच्चों हमने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है
वो इसके इक्वल है एंड इसका आंसर है वो भी इसके इक्वल है, तभी ये प्रूव होगा कि तीनों इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे कि कोज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल है। उसके लिए बच्चों मैंने इस इनवर्स को, क्योंकि हम जानते हैं एंगल होता है, सपोज कर लो ये थीटा है, हमने इसका नाम साइन इनवर्स एक्स का नाम सपोज कर लिया थीटा है। तो बच्चों अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। अगर एक्स साइन थीटा है तो थीटा साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है बच्चों। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स होगा साइन थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो बच्चों साइन एक्स कितना हो गया, इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स खत्म हो गया, तो एक्स कितना बन गया, उधर जाके इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स का साइन खत्म हो गया, तो ये सिंपली एक्स क्या बन जाएगा, उधर जाके इनवर्स का साइन खत्म हो गया, तो एक्स आ गया साइन थीटा। आई होप क्लियर सबको। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, तो ये बेसिकली अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज आपको याद कराई थी, डोमेन साइन इनवर्स की हमने याद की थी क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, एंड रेंज याद की थी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल। ओके, सो बच्चों इनवर्स साइन इनवर्स एक्स में एक्स का मतलब क्या है, डोमेन, हम यहाँ पे इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब माइनस वन और वन भी पुट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज मिलेगी, लेकिन जब टोटल आंसर होगा वो रेंज होगी वो इसके बीच में लाई करेगी। तो रेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हमने सपोज किया, जो थीटा है बच्चों वो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा जो है वो किसमें लाई करेगी, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। क्लियर सबको, साइन इनवर्स एक्स की ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, हमने इसको पुट कर दिया थीटा, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो माइनस वन टू वन होती है, रेंज होती है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब अगर थीटा इसको सपोज किया तो थीटा जो होगा माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू। नाउ हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स कितना है, चेक करिए, साइन इनवर्स एक्स को आपने सपोज किया है थीटा, यहां पे लिख दीजिए थीटा, समझ आ गई सबको। तो कोस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन ये भी 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। तो कोस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स व्हाई कोस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों एक्स कितना है, अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा है जो मैंने स्किप किया, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, कई बच्चे अब खुश हो गए कि ठीक बोल रहे हैं सर। देखिए कैसे, जब इस कोस स्क्वायर, जब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो अंडर रूट आता है, साथ में प्लस माइनस भी आता है। अब क्लियर है सबको, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, लेकिन हमें गिवन है थीटा जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लाई कर रहा है। तो बच्चों माइनस 90 टू 90, देखिए ये 0 टू 90, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं बता चुके हैं एंगल छोटे हो रहे हैं 0 टू माइनस 90, तो माइनस 90 टू प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट्स हैं, यू कैन ऑब्जर्व फोर्थ और फर्स्ट। माइनस 90 से 90 की तरफ जाना है तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक मूव करना पड़ेगा, माइनस 90 टू प्लस 90 फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं दोनों ही क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सारे छह टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस वन क्लास में पढ़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम कोस थीटा जो आपके पास आया उसमें माइनस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है माइनस 90 टू प्लस 90। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा ये क्वेश्चन। तो हमने प्रूव कर दिया कोस थीटा
equal to under root 1 minus x square, that is theta कितना है? यही तो प्रूव करना था, cos of sin inverse x under root 1 minus x square. तो बच्चों प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल हैं. हमने प्रूव कर दिया कि ये नंबर इसके इक्वल है. कैसे? sin inverse x को मैंने theta सपोज कर दिया. अगर sin inverse x theta है तो x क्या हो जाएगा? sin theta, इधर inverse खत्म हो जाता है. अगर नहीं होता तो sin inverse बनना था. अगर inverse है तो inverse खत्म हो जाता है, inverse का sin, तो x आ गया sin theta. तो बच्चों हमें given है theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. ये कहां से आया? कोई sin inverse x को theta माना है. वो theta जो है उसकी range कितनी है? sin inverse की range minus pi by 2 to pi by 2. theta, ये दोनों बराबर है तो theta इसमें lie करेगा. तो cos of sin inverse x को आपने theta माना है. तो cos theta, look here, cos square theta 1 minus sin square theta. square खत्म करोगे तो square root आएगा, under root आएगा, साथ में plus minus आएगा. लेकिन theta जो है minus pi by 2 to pi by 2 है. minus 90 to plus 90, minus 90 से 90 ये दो quadrants हो गए, क्योंकि 0 to 90 first quadrant, 0 to minus 90 fourth quadrant. तो fourth और first के बीच में cos दोनों में ही positive होता है. ये all t ratios are positive in the first quadrant. sin and cosecant are positive in the second quadrant. tan and cot positive in the third quadrant. cos and secant positive in the fourth quadrant. तो cos की value minus नहीं होगी, minus को छोड़ दिया. तो sin square theta ये था. तो we have proof. इसी तरह हम ये पार्ट इसके equal proof करने जा रहे हैं. आप फटाफट अपने आप बच्चों सभी करो, बच्चों try it. same method, very important question. अब हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है. फिर हमने सपोज कर दिया cos inverse x को. अब phi का नाम दे दिया, क्योंकि इसका नाम थीटा है तो सपोज करो इसका नाम phi है. तो बच्चों अब डोमेन cos inverse की कितनी होती है? cos की डोमेन क्या होती है? minus 1 to 1 क्लोज इंटरवल. रेंज हम ये बता चुके हैं. तो cos inverse x ये पूरी वैल्यू है इन x के लिए. cos inverse x ये रेंज का काम कर रही है. तो रेंज कितनी है? रेंज कितनी है? ये पूरी वैल्यू रेंज है. तो फाई किसमें लाई करेगा? क्लोज इंटरवल 0 टू फाई. तो नाउ हमने जो cos inverse x को फाई माना है, तो x कितना आ जाएगा? cos ऑफ फाई. आई होप समझ लगी सबको. इनवर्स खत्म हो गया. तो हमने क्या निकालना है? sin cos inverse x. तो बच्चों cos inverse x कितना है? फाई. सेम वे अभी जो आइडेंटिटी लाई थी, तो बच्चों यहां पे प्लस माइनस है, बट फाई जीरो से बड़ा इंक्लूडिंग जीरो, 180 से छोटा इंक्लूडिंग जीरो. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 टू 90, 90 टू 180, 0 टू पाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टैन कोट सीकंट टू सीकंट. सेकंड में साइन और कोसेकंट पॉजिटिव होते हैं, बट वी आर कंसर्न विद साइन. देखो बच्चा वो साइन फाई, तो साइन फाई की दो वैल्यूज निकाली, प्लस माइनस. लेकिन फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है. माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा? साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई. तो बच्चों कोस स्क्वायर फाई देखिए, ये रहा cos phi. अगर cos inverse x phi है, तो x कितना है? cos of phi. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos square phi कितना बन गया? x square. तो therefore sin of phi, phi कितना हमने माना? cos inverse x. तो हमने प्रूव कर दिया. क्या प्रूव किया? कि ये तीनों बराबर है. आई होप क्लियर है सबको. नेक्स्ट सम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Prove that, देखो बच्चों, third question, prove that cos tangent inverse sine cot inverse x equal to under root 1 plus x square over 2 plus x square. इस क्वेश्चन को बड़े आसान मेथड से समझाएंगे आपको. तो बच्चों सबसे पहले, सबसे जो अंदर ब्रैकेट में cot inverse x है, इसका नाम हमने सपोज कर दिया थीटा. ओके,
हमने इसको सपोज कर लिया थीटा, क्लियर सबको? देखिए तो बच्चों इसको थीटा मान लिया, यहां से x कितना आ गया cot थीटा, x कितना आया cot थीटा, ये बता चुके हैं। तो बच्चों देखिए बहुत आसान मेथड से सब करवा रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और सपोज कर लो ये कोई एक्यूट एंगल थीटा है ये वाला। तो हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी कोले, टेंथ में किया था ये, पढ़कर आपको खुशी हो रही है ना। तो बच्चों देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन थीटा, और टैन को उल्टा होता है कोट, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज कोट थीटा। तो बच्चों कोट थीटा आ गया एक्स, एक्स के नीचे आप वन लिख सकते हो, और कोट कितना होता है अभी बताया बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ये एक्स, यहाँ पे एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे बच्चों बेस एक्स लिख दिया, परपेंडिकुलर को वन लिख दिया, ठीक है बेस ओवर परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों एसी स्क्वायर इज व्हाट, एबी कितना है वन स्क्वायर, बीसी कितना है एक्स, यहां पे एसी कितना आया, ठीक है बच्चों क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो एसी आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सब समझ आ गई सबको पाइथागोरस थ्योरम से, तो एसी की वैल्यू आ गई। तो बच्चों नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लुक हियर कोस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, बाकी के एग्जाम्स भी ऐसे कर सकते हो, साइन कोट इनवर्स एक्स, इसका नाम है थीटा, ओके। तो इसको सपोज किया हमने थीटा, यहां पे थीटा लिख दिया, तो देखिए बच्चों टैन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है साइन कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां पे लिख सकते हैं हम, क्लियर है सबको, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए बच्चों साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये लिख दिया। अब देखिए अब टेंजेंट इनवर्स आ गया, फिर आप इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हो, अभी बताया मैंने, इसको कुछ भी मान लो थीटा मान चुके फाइव मान लो, तो बच्चों इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टेंजेंट ऑफ फाइव, ओके सो टेंजेंट फाइव आ गया। टेंजेंट कितना होता है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, मान लो ये 90 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल सपोज कर लो फाई है, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहां पे ये देखो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, यहां पे 1 लिख दीजिए, यहां पे बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर अंडर रूट, यही होता है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या ही आ गया और ऊपर अंडर रूट, तो बच्चों ये कितना आ गया वन स्क्वायर वन होता है, इसकी वैल्यू बनती अंडर रूट वन प्लस वन टू। लो जी बच्चों कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए सभी कोस कोस इसको क्या माना आपने, इस पूरे नंबर को क्या माना है फाइव, तो यहाँ पे फाइव लिख दीजिए, देखो आंसर आ भी गया cos of phi, cos कितना होता है cos base over hypotenuse, तो base कितना है इसमें, base कितना है this one, hypotenuse कितना है बच्चों under root 2 plus x square। लो जी we prove that left hand side equal to right hand side, hence proof, okay। तो बच्चों समझ आ सकते हो, okay। तो ऐसे आप सारे सम्स कोई भी आसान से आसान मुश्किल से मुश्किल सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आज ट्राई करिए, ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं क्या कराएंगे आपको, ओके टेक केयर।